हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 मोस्ट स्मार्टेस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के 10 सबसे होशियार जानवरों के बारे में। और हाँ, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आपको नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। चलिए फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। साइंटिस्ट ने इंटेलिजेंस की कभी कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं दी है, लेकिन इस वीडियो में हम जितने भी जानवरों के बारे में जानेंगे उन्हें उनकी क्वालिटीज की वजह से रैंक किया गया है। नंबर 10, स्क्वायरल्स। स्क्वायरल्स की जिद, याद और चालाकी ने उन्हें गार्डनर्स का कट्टर दुश्मन बना दिया है। वो पेड़ पौधों का नुकसान तो करती ही हैं, साथ ही में कई तरह की स्ट्रेटजीज भी अपनाती हैं अपने खाने को पाने के लिए। जब ठंडों का मौसम आने वाला होता है तो स्क्वायरल्स अपना इकट्ठा किया हुआ खाना ऐसी जगह छुपाती हैं कि कोई दूसरा जानवर उनके खाने को चुरा तो क्या धूल में नहीं पाता। नंबर 9, रेट्स। चूहे जो कि बहुत बदनाम होते हैं चीजों का नुकसान करने के लिए, उन्हें ज्यादातर रिसर्च लैब्स में यूज किया जाता है और उन पर अनगिनत इंटेलिजेंस टेस्ट भी होते हैं। चूहे बहुत होशियार भी होते हैं, ये नेचुरल स्टूडेंट्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं चीज़ों को सीखने और समझने में। नंबर 8, ऑक्टोपस। और जितने भी जानवर हैं हमारी लिस्ट में वो सब वर्टिब्रेट्स हैं, मतलब जिनके पास बैकबोन होती है, लेकिन यही एक जानवर है जो एक बहुत चालाक इनवर्टिब्रेट है, मतलब जिसके पास बैकबोन नहीं होती। ऑक्टोपस के पास न केवल सबसे बड़ा दिमाग होता है किसी इनवर्टिब्रेट के मुकाबले, पर साथ में वो कोई ह्यूमन बीइंग फीचर्स को भी शेयर करता है, जैसे फोल्डेबल लूप्स। और क्या आप जानते हैं कि ऑक्टोपस के 60% न्यूरॉन्स असल में उनके हाथों में होते हैं। नंबर 7, डोमेस्टिक डॉग। डॉग्स इमोशंस को समझ सकते हैं और साथ ही में साइन लैंग्वेज को भी। ये दूसरों की फीलिंग्स को अच्छे से समझते हैं। एक एवरेज डॉग लगभग 165 वर्ड्स याद रखता है और वो कई और वर्ड्स को भी याद रख सकता है। एक डॉग जिसका नाम चेजर था, उसे लगभग 1000 ऑब्जेक्ट्स के नाम पता थे और उसके पास एबिलिटी थी इंग्लिश ग्रामर के बेसिक एलिमेंट्स को समझने की। नंबर 6, पिग्स। पिग्स बहुत होशियार होते हैं दूसरे डोमेस्टिक एनिमल्स के मुकाबले। पिग्स कई तरह के लक्षण दिखाते हैं जिनसे उनकी होशियारी साबित होती है। वो दूसरों की फीलिंग्स को भी समझ सकते हैं। पिग्स को हॉग और स्वाइन भी कहा जाता है। नंबर 5, क्रो। क्रो अपनी सुपर इंटेलिजेंट कॉर्वेट बर्ड फैमिली का हिस्सा होता है, जिनमें मैगपाइज, रेवेंस और जेस भी आते हैं। क्रो ही एक ऐसा पक्षी है जो अपनी टूल मेकिंग स्किल्स के लिए भी जाना जाता है। उनका आईक्यू लेवल बाकी चीड़ों के मुकाबले टॉप पे होता है। एक विशेष और चालाक क्रो की प्रजाति जो पैसिफिक आइलैंड ऑफ न्यू कैलिडोनिया में पाई जाती है, उसने अपनी नई खूबी को दिखाया है, जिसमें वो किसी भी चीज़ के कॉज और इफेक्ट को समझ सकती है। नंबर 4, एलिफेंट्स। एलिफेंट्स का दिमाग दूसरे लैंड एनिमल्स के मुकाबले सबसे बड़ा होता है। एलिफेंट्स के दिमाग में ह्यूमंस के जितने न्यूरॉन्स होते हैं। ये भी कहा जाता है कि एक हाथी किसी भी याद को कभी नहीं भूलता। हाथी भी दूसरों की फीलिंग्स को अच्छे से समझते हैं। हाथी टीम वर्क करने में भी माहिर होते हैं। नंबर 3, डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स जो कि सबसे ज्यादा होशियार समुद्री जीव मानी जाती हैं, उनका दिमाग उनकी बॉडी के हिसाब से काफी बड़ा होता है। उनके दिमाग में ह्यूमन ब्रेन से ज्यादा फोल्ड्स होते हैं। वो मिरर में अपने आप को पहचान भी सकती हैं और साथ ही में वो काफी सोशल बीइंग भी होती हैं। नंबर 2, ओरैंगउटान। इन जानवरों को भी बहुत ज्यादा होशियार माना जाता है। चिंपैंजीज की तरह इनके भी खुद के कल्चर्स होते हैं। इन्हें अलग अलग तरह के टूल्स यूज करते हुए देखा गया है जंगलों में। गोरिल्लास की तरह ये भी स्लीपिंग नेस्ट बनाते हैं सोने के लिए ब्रांचेस और लीव्स से। नंबर 1, चिंपैंजीज। चिंपैंजीज ह्यूमन से ज्यादा होशियार होते हैं कुछ मेमोरी टास्क में। हमारा सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार चिंपैंजी सचमुच कोई बेवकूफ नहीं होता। आयुमो नाम का एक यंग चिंपैंजी जिसने ह्यूमन किड्स को हरा दिया था एक मेमोरी टास्क में। चिंपैंजीज अपने टूल मेकिंग स्किल्स और साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए भी जानी जाती हैं। अगर इन होशियार जानवरों के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा जानवर कौन सा लगा। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।